नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फोन पे का एक नया अकाउंट कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ उसमें किसी भी बैंक अकाउंट को कैसे ऐड किया जाता है। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं फोन पे का एक न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ किसी भी बैंक अकाउंट को कैसे ऐड किया जाता है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर आप अपना फ़ोन पे अकाउंट बनाना सीख जाएंगे और बैंक अकाउंट भी ऐड करना सीख जाएंगे और आप फोन पे अकाउंट चलाना भी सीख जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च बार में आपको यहां पे टाइप करना है फोन पे। यहां पे आप लिखना है फोन पे, लिख के आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पे आपको फोन पे का ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इस फोन पे एप्लीकेशन को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहां पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओपन करने के बाद आपके सामने फिर से इस तरह से देखने को मिलेगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपका यहां पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी नंबर आपके नंबर पर लगा हुआ रहेगा यहां पर ऑटोमेटिक यहां पर देखने को मिलेगा। अगर डबल सिम है तो हमें डबल नंबर देखने को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले क्या करना, आपको यहां पर नीचे देखने को मिलेगा नॉन ऑफ द एवो, बस क्या करना, नॉन ऑफ द एवो में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। जिस नंबर से फोन पे बनाना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पे सही सही फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना एक नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड देखने को मिलेगा प्रोसीड, बस क्या करेंगे इस प्रोसीड में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नंबर यहाँ पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट वेरीफाई कर लेगा। बस क्या करना, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे देखेंगे इंटर 5 डिजिट ओटीपी सेंड, जो भी नंबर डालेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई भी हो चुका और यहाँ पे मेरा ओटीपी भी आ चुका है। अगर कभी भी आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होगा तो यहाँ पे आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां पे आपको ऊपर साइड देखने मिलेगा व्हाइल यूजिंग द ऐप, बस क्या करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप में आपको यहां पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहां पे देखने मिलेगा अलाउ, बस क्या करेंगे फिर से अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको दोबारा अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको यहां पे क्या करना है अलाउ पे क्लिक करना है। यहां पे 3 टाइम अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। आपको यहां पे ऊपर साइड देखने मिलेगा आपका प्रोफाइल लोगो, बस क्या करना है इस प्रोफाइल लोगो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा आपका मोबाइल नंबर, बस क्या करना आपको इस जगह क्या करना अपना मोबाइल नंबर की जगह इस जगह आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां पे आपको देखने मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, उसी के बगल में आपको यहां पे देखने मिलेगा एक पेंसिल का आइकन, बस क्या करना है इस पेंसिल आइकन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा फुल नेम, इस बॉक्स में क्या करेंगे अपना नेम फिलअप करेंगे। यहां पे आपको जो भी होगा इसको इरेज कर देना है। यहां पे इरेज करने के बाद यहां पे क्या करना अपना नेम फिलअप करना। तो चलिए मैं यहां पे अपना नेम को फिलअप कर लेता हूं। आपका जो भी नेम होगा यहां पे क्या करेंगे सही सही नेम फिलअप करेंगे। यहां पे नेम फिलअप करने के बाद देन आपको यहां पे देखने मिलेगा ईमेल एड्रेस, इस बॉक्स में क्या करेंगे अपना ईमेल एड्रेस फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे अपना एक ईमेल एड्रेस को यहां पे फिलअप करता हूं। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा यहां पे क्या करेंगे अपना ईमेल एड्रेस को सही सही फिलअप करेंगे। चलिए मैं यहां पे अपना ईमेल एड्रेस को फिलअप कर लेता हूं। यहां पे अपना ईमेल एड्रेस को फिलअप करने के बाद आपको यहां पे नीचे साइड देखने मिलेगा अपडेट चेंजेस, बस क्या करेंगे अपडेट चेंजेस में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपका नेम फिलअप हो जाएगा। यहां पे देखेंगे मेरा यहां पे नेम आ चुका है और यहां पे मेरा ईमेल आईडी भी देखने को मिल रहा है। तो यहां पे अपना नेम और यहां पे ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको यहां पे क्या करना अपना प्रोफाइल का लोगो लगाना, आपका यहां पे प्रोफाइल का पिक्चर लगाना। तो उसका लगाने के लिए आपको यहां पे देखने मिलेगा एक कैमरा का आइकन, बस क्या करना इस कैमरा का आइकन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको 3 ऑप्शंस देखने मिलेगा। एक तो डायरेक्ट कैमरा से फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या तो क्या करेंगे अपना गैलरी में आपका जो भी फोटो वगैरह होगा फाइल में उस फोटो को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे गैलरी में फोटो अपलोड किया हुआ है, बस क्या करूँगा फोटो में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना अलाउ कर देना है, सारा कुछ यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे एक फोटो को चूज कर लेता हूँ गाइस। तो चलिए मेरा एक फोटो है मेरा प्रोफाइल के लिए, इस फोटो को मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको फोटो को लगा लेंगे, लगाने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अपलोड, बस क्या करेंगे इस अपलोड में क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपलोड में क्लिक करेंगे,
अपलोड में क्लिक करें मत गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फोटो यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे अपना नेम और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट करने के बाद देन आपको क्या करना, आपको यहाँ पे नीचे साइड देखने मिलेगा केवाईसी डिटेल्स, यू हैव नॉट कंप्लीट योर केवाईसी। तो गाइस सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कंप्लीट नाउ, बस क्या करना आपको यहाँ पे कंप्लीट नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स एड। तो यहाँ पे क्या करना गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डिटेल्स फिलअप करना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पैन नंबर, इस बॉक्स में क्या करेंगे अपना पैन नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद जिसके नेम से पैन कार्ड है उसका नेम यहाँ पे क्या करेंगे, पैन होल्डर नेम, यानी उसका नेम यहाँ पे सही सही फिलअप करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा चेंज करने का ऑप्शन, बस क्या करेंगे इस चेंज में क्लिक करेंगे। चेंज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या तो अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, या पासवर्ड, या तो या जॉब कार्ड, इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप पैन नंबर टाइप करेंगे, पैन होल्डर नेम टाइप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर और यहाँ पे पैन होल्डर नेम टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना पेन नंबर और यहाँ पे पेन होल्डर नेम सही सही फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड देखने को मिलेगा सबमिट, बस क्या करना है आपको इस सबमिट में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मेरा जो है केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो कि मेरा पेन नंबर यहाँ पे डाला था और यहाँ पे मेरा केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद देन आपको क्या करना है, एक स्टेप आपको यहाँ पे बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको नीचे साइड देखने को मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, बस क्या करना ऐड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपके सामने इस तरह से पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको बहुत सारा बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा, इनमें से आपको कोई भी बैंक अकाउंट अपने आपका फोन पे अकाउंट पे लिंक करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे उस बैंक को सर्च करेंगे। जैसे आपको जो भी बैंक हो, यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आपका कोई भी बैंक हो इनमें से, अगर आपका यहां पे बैंक अकाउंट नहीं मिलता, आपका बैंक यहां पे नहीं मिलता है, तो यहां पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा सर्च बैंक नेम, बस क्या करेंगे सर्च बैंक नेम में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट होगा, जैसे मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक है तो यहाँ पे स्टेट लिखना है, STAT स्टेट बैंक। जैसे आप यहाँ पे स्टेट बैंक लिखते ही आपका यहाँ पे आपका बैंक आ जाएगा, बस क्या करना अपना बैंक नेम पे आप क्या करना है क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, आपका सर्च किया जाएगा आपका नंबर पे बैंक अकाउंट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा जो बैंक अकाउंट पे यहाँ पे लिंक हो चुका है, यहाँ पे देखेंगे अकाउंट ऐड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे मेरा ब्रांच वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे मेरा अकाउंट फाइनली यहाँ पे मेरा अकाउंट लिंक हो चुका है। जो भी नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा वही बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरा देखेंगे मेरा जो बैंक अकाउंट है 100% यहाँ पे लिंक हो चुका है। लिंक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड देखने मिलेगा रीसेट पिन, बस क्या करेंगे यहाँ पे आप रीसेट पिन में क्लिक करेंगे। रीसेट पिन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आपके पास ATM कार्ड है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिलेगा यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट योर कार्ड नंबर, यानी आपका ATM कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट आपका होता है, लास्ट 6 डिजिट उस नंबर को क्या करेंगे यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वैलिड अप टू, यानी आपका जो कार्ड है कब का एक्सपायरी डेट है, यानी एक्सपायरी डेट फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे उसका मंथ यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे ईयर टाइप करेंगे, आपका जो एक्सपायरी मंथ है यहाँ पे मंथ टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ईयर टाइप करेंगे। ईयर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा प्रोसीड, बस क्या करेंगे इस प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ATM कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद आपको एक पिन टाइप करने बोला गया, यानी आपको क्रिएट करना होगा 6 डिजिट का आपको एक पिन, उस पिन को क्रिएट कर लेंगे। एक पिन को क्रिएट करने के बाद क्या करना आपका यहाँ पे अकाउंट 100% यहाँ पे लिंक हो जाएगा। लिंक करने के बाद गाइस आपको क्या करना, आपको बैक आ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक हो चुका है। लिंक करने के बाद देन यहाँ पे आपका फोन पे अकाउंट यहाँ पे हमेशा के लिए आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पे आपका फोन पे अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्रिएट कर तो गाइस इस तरह से बड़ी आसानी से फोन पे पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपना अकाउंट बना सकते हैं।